दोस्तों, इस कहानी के भाग 6 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के 5वें भाग को अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज़ पहले आप लोग 5वें भाग को ज़रूर सुन लीजिएगा, तभी कहानी आपको समझ में आएगी। चलिए अब 6वां भाग पढ़ना शुरू करती हूँ। एक बहुत ही छोटा सा कमरा था जहाँ हवा की आवाजाही के लिए मात्र एक रोशनदान था। कमरे की दीवारें पूरी तरह सीलन से भरी थी। कमरे में फर्नीचर के नाम पर एक छोटी सी टूटी फूटी अलमारी थी और एक कुर्सी जो जगह जगह से टूटी हुई थी। अयान ने नज़रें घुमाई तो वहाँ एक चारपाई दिखी जिस पर एक वृद्धा लेटी थी। उन्हें देखते ही अयान ने प्रश्न भरी निगाहों से इंस्पेक्टर सिसिर को देखा। इंस्पेक्टर सिसिर ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि वही उसकी माँ तपस्या गुप्ता है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देख अयान का खुद पर काबू नहीं रहा और वो रोते हुए बाहर निकल गया। उर्वी और अहाना भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। अयान, संभालो अपने आप को, अहाना ने कहा। उस प्रीतम ने मेरी माँ की क्या हालत बना दी, देखा तुमने? कैसे कैसे संभालूँ अपने आप को, जी कर रहा है अभी उस प्रीतम को उसके किए की सज़ा दे दूँ, अयान चिल्लाते हुए बोला। जरूर देंगे अयान, तुम धीरज रखो, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना होगा, अहाना ने कहा। हाँ अयान, इस समय माता जी को यहाँ से लेकर जाना है, उसका इंतजाम है कुछ? इंस्पेक्टर सिसिर ने पूछा। माँ जी मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, हम उन्हें वहाँ ले जाएंगे, अहाना ने कहा। ठीक है अयान, तुम एक बार उनसे बात करो, शायद तुम्हें पहचान जाएं, सिसिर ने कहा। अयान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा, हर कदम उन्हें सत्रह 18 साल पीछे लेकर जा रहा था, जब तपस्या का ममता भरा स्पर्श हमेशा उसके सिर पर रहता था। उनका हमेशा अपने बच्चों से बच्चों को खाना खिलाना, उनके संग खेलना, स्कूल छोड़ना। अयान और आरुष की तो पूरी दुनिया ही उनकी माँ थी। आज उन्हें इस हाल में देख वो अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पा रहा था। वो उनके बिस्तर के पास पहुंचा और धीरे से उनका सिर सहलाते हुए बोला, माँ। तपस्या जी हड़बड़ा कर उठी और रोते हुए बोली, अयान अयान मेरा बच्चा अकेला होगा, मुझे जाने दो। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ मैं यही हूँ आपके पास, आपके सामने, उठकर एक नज़र देखो मुझे, अयान की प्यार भरी आवाज़ सुनते ही तपस्या जी ने पलट कर उसकी तरफ देखा। अयान ने प्यार से उनके मुरझाए चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए उनके आंसू पोंछे और बोला, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है माँ, आपका बेटा आ गया है। माफ़ कह दे माँ, थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, पर अब तुझ पर एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। अयान तो इतना बड़ा हो गया। अरे हाँ, समय भी तो बहुत बीत गया, आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, तेरा चेहरा सही से देख नहीं पा रही बेटा। अरे तेरा भाई कहाँ है, मेरा आरुष कहाँ है, वो? तपस्या जी ने पूछा। अयान आ गया है ना माँ, तो आरुष भी आ जाएगा, भाई बेंगलोर में जॉब करता है, जल्द ही आपसे मिलने आएगा, अयान ने कहा। तभी तपस्या जी का ध्यान सामने खड़ी उर्वी और अहाना पर गया, वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी अयान बोला, माँ आप जानती नहीं, नहीं ये उर्वी भाभी हैं, आपके लाडले आरुष की पत्नी। उर्वी इस बात पर चौंक गई तो अयान ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और पास बुलाया। उर्वी उनके पास आई और बहुत आदर से उनके पाँव छुए। तुम दोनों इतने बड़े हो गए कि शादियाँ भी हो गई, कितनी सुंदर बहू है आरुष की, सुखी रहो बेटा। और वो लड़की? वो अहाना है, बहुत बड़ी वकील है, उन्हीं की वजह से हम आपको ढूंढ पाए हैं माँ, अयान बोला। माँ जी ये आपकी छोटी बहू है, उर्वी ने अयान को गुस्से से देखते हुए कहा। अहाना ने भी आकर तपस्या जी के पैर छुए। तपस्या जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने जी भर कर उर्वी और अहाना को प्यार दिया। माँ ये इंस्पेक्टर सिसिर हैं, आज इन्हीं की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ, थैंक्स इंस्पेक्टर, अब हम माँ को ले जा सकते हैं,
अयान ने सिसिर से हाथ मिलाते हुए पूछा। अफकोर्स ले जा सकते हो, पर एहतियात से, सिसिर ने कहा। उर्वी और अहाना तपस्या जी को गाड़ी तक पहुंचाने में मदद करने लगी और सिसिर और अयान वार्डन के कमरे की तरफ चल पड़े। तो अब बताएं कमला ताई कि आपके साथ क्या किया जाए, इंस्पेक्टर सिसिर ने वार्डन कमला ताई के सामने कुर्सी खींच बैठते हुए कहा। साहब माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कमला ताई बोली। माफ़? अरे तुम जैसे लालच के लोभी लोग, तुम जैसे लालच के लोभी लोगों को तो साफ कर देना चाहिए। तुम जानती हो कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने, इतने साल एक औरत की असलियत दुनिया से पुलिस से छिपा कर रखी, उसका परिवार उसे ढूंढता रहा। अगर तुम उस समय पुलिस को बता देती तो, तभी अयान बीच में बोल पड़ा। तो एक माँ अपने बेटे से और बेटे अपनी माँ से जुदा ना होते? नहीं इंस्पेक्टर सिसिर, इसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सजा तो इन्हें ज़रूर मिलेगी अयान, पर अभी नहीं। आना ने जो प्लान बनाया है उनके पूरा होने के बाद, कमला ताई अब गौर से सुनो, तुम्हें करना क्या है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना, समझी? इंस्पेक्टर सिसिर ने कड़क अंदाज में कहा। उधर अहाना और उर्वी तपस्या जी को आराम से गाड़ी में बैठाने का इंतजाम कर चुकी थी। सिसिर और अयान के आते ही वो सब वहाँ से निकल गए। अयान, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, पूछना ही भूल गई, तेरे पिताजी कैसे हैं बेटा? अब तो उनकी भी उम्र हो चुकी होगी, सेहत ठीक रहती है ना उनकी, तपस्या जी ने पूछा। अयान की आंखों में नमी आ गई। एक तरफ उसकी माँ है जो इस अवस्था में भी सबके बारे में पूछ रही है, और एक उसके पिता हैं जिन्होंने लोगों के कहने में आकर उस कामिनी से शादी कर ली और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अयान ने चुपके से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा ठीक है माँ, हम अपने घर ही जा रहे हैं ना, अभी लगता है सफ़र लंबा है, वैसे हम हैं कहाँ इस वक्त, तपस्या जी सवाल पर सवाल कर रही थी। माँ जी, हम मुंबई से कुछ दूरी पर हैं, घर पहुँचने में समय लगेगा, पर अभी आप अहाना के घर रुकोगे, उर्वी बोली। क्यों, वहाँ क्यों बेटा? समधि जी के घर कैसे रह सकती हूँ मैं, तपस्या जी बोली। ये क्या माँ जी, अभी कुछ देर पहले आपने मुझे अपनी बेटी बनाया और अब एकदम पराया कर दिया, आप डिसाइड करके बताएं कि मैं आपकी बेटी हूँ कि बहू, आना ने शरारत भरे अंदाज में कहा। तपस्या जी हंस पड़ी और बोली, कितनी चालाक है तू, बातों में उलझाना तो कोई तुझसे सीखे। सब संजीव दीवान के घर पहुँचे। तपस्या जी इतना बड़ा घर देख कर चौंक गई, घर तो बहुत बड़ा है समधि जी का। बस माँ, माता रानी का आशीर्वाद है, पापा का बिजनेस अच्छा चलता है, अहाना ने उनका हाथ पकड़ अंदर ले जाते हुए कहा। अंदर संजीव दीवान सबका इंतजार कर रहे थे। आइए समधन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, तपस्या जी ने अपने उच्च संस्कारों का परिचय देते हुए कहा। चाय नाश्ते के बाद संजीव दीवान बोले, उर्वी बेटा, समधन जी को उनका कमरा दिखा दो, थोड़ा आराम कर लेंगी। आयान, तू भी यहाँ रहेगा ना? मैं कैसे, तपस्या जी घबराते हुए बोली। माँ, मैं रोज़ आपसे सुबह शाम मिलने आऊँगा, आप चिंता ना करें, और उर्वी भाभी यहीं आपके साथ रहेंगी। उर्वी आरुष के साथ क्यों नहीं गई, यहाँ कैसे रहेगी? तपस्या जी के मन में अनगिनत सवाल थे। माँ, दरअसल भाभी आगे पढ़ाई कर रही हैं, इसीलिए भाई के साथ नहीं गई, यहाँ इसीलिए रहती हैं क्योंकि हमारे घर की तो मरम्मत हो रही है ना, तो भाभी को पढ़ने में रुकावट ना आए इसीलिए, और वैसे भी अहाना और भाभी बचपन की सहेलियां हैं तो उन्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयान ने तपस्या जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा। ओह, पढ़ाई करना तो बहुत बढ़िया बात है, चल ठीक है तू जा, पर आरुष कब आएगा और तेरे पिताजी? तपस्या जी ने फिर सवाल शुरू कर दिए। माँ, भाई बहुत जल्द आएगा, पापा काम से बाहर गए हैं, वो भी आ जाएंगे, अब आप आराम करो, अयान ने कहा। उर्वी और अहाना उन्हें कमरे में ले गई। अहाना ने गीजर चालू करते हुए कहा, माँ आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आपको भी अच्छा लगेगा, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अहाना ने अलमारी खोली और उसमें से एक खूबसूरत सी सिल्क की साड़ी निकाल कर उन्हें देते हुए कहा, माँ ये पहन लीजिए, ये मेरी माँ की साड़ी है। ये कहकर अहाना की आँखों में आंसू आ गए। तपस्या जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और
उसे गले से लगा लिया। दोनों ने मिलकर तपस्या जी को तैयार कर दिया। अपना ये रूप आईने में देख तपस्या जी की आंखों में नमी आ गई। आज ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद तैयार हुई हूँ। आखिरी बार दिवाली की उस रात तैयार हुई थी, ये कह वो रोने लगी। उर्वी और अहाना ने उन्हें शांत किया और आराम करने को कहा। उर्वी वहीं उनके पास बैठ गई और उन्हें लिटाकर उनका सिर दबाती रही। तपस्या जी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अयान जब उनसे मिलने ऊपर आया तो उन्हें इस तरह सोते देख उसे बहुत सुकून मिला। अयान अब चलें, घर पर एक ड्रामा हमारा इंतजार कर रहा है। आज कामिनी देवी की चाल उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है, अहाना ने कहा। माँ को छोड़ कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, अयान ने कहा। माँ को उनका हक वापस दिलाने के लिए हमें उस औरत को और उसके भाई को उनके अंजाम तक पहुँचाना होगा, अहाना ने कहा। दोनों संजीव दीवान से मिलकर घर के लिए निकल पड़े, जहाँ कामिनी देवी एक नई व्यूह रचना के साथ उनका इंतजार कर रही थी। मुन्नी भागती हुई कामिनी जी के पास गई और बोली, भैया और भाभी आ गए हैं मेम साहब, क्या करना है? अब करना क्या है, वही पुराना अपना बहाना, पेट दर्द, देख कैसे रोकती हूँ मैं उन दोनों को, तो 5 मिनट बाद उनके कमरे में जाना और ताज़ा रिपोर्ट लेकर आना, कामिनी जी ने हुक्म देते हुए कहा। मुन्नी अयान के कमरे में पहुंची तो अहाना बोली, बोल मेरी जेम्स वार्ड क्या खबर है? माँ जी के नाटक की सारी तैयारी हो गई है, बस मेरी हरी झंडी का इंतजार है, मुन्नी ने कहा। तो जा फिर दे हरी झंडी, थोड़ा मिर्च मसाला लगा कर बताना, समझ गई ना? अहाना ने हंसते हुए कहा। अयान जो कि किसी और ही ख्याल में गुम था बोला, क्या चल रहा है? हरी झंडी, मिर्च मसाला, कोई कुछ बताएगा? तू जा मुन्नी, मैं समझा दूंगी अयान को। और फिर अहाना ने अयान को सारा प्लान बताया। उधर मुन्नी ने कामिनी जी को आकर खूब बढ़ा चढ़ा कर बात बताई, मेम साहब दोनों तैयार हो रहे हैं, आज तो बहुत ज़बरदस्त प्लान लगता है। अरे अब देख प्लान की कैसे मैं बैंड बजाती हूँ, जाकर अयान को बुला कर ला, बोल उसके पापा बुला रहे हैं, कामिनी जी ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। मुझे बीच में क्यों ला रही हूँ, जो करना है खुद करो, कैलाश जी बोले। आपके साथ के बिना कैसे मुमकिन हो सकता है, अब चुपचाप मेरा साथ दो जैसे देते आए हो, कामिनी जी ने हुक्म देते हुए कहा। मुन्नी ने ऊपर जाकर सारी बात बताई। अहाना ने हंसते हुए अयान से कहा, जाओ नीचे और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। दीवान मिंसन, आइए संधन जी, रात के खाने का समय हो गया है, आज सारा खाना उर्वी ने बनाया है, संजीव दीवान ने तपस्या जी से कहा। वो अयान नहीं आएगा क्या, बोल के गया था, तपस्या जी झिझकते हुए बोली। अयान, हाँ आएगा जरूर, जरूरी काम आ गया होगा, अब आप खाना खाएं, वो आ जाएगा, संजीव दीवान ने कहा। दोस्तों हवा बहुत तेज़ चल रही है, अगर आप लोगों को आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। तभी उर्वी सारा खाना लेकर बाहर आई और बोली, माँ जी भैया आ जाएंगे, आप चिंता ना करें, उन्होंने कहा है कि आप खाना खाकर आराम कर लें, वो रात को आपसे मिलने आएंगे, चलिए अब जल्दी से खाना खाइए। क्या हुआ पापा, आपने बुलाया था? अयान ने पूछा। हाँ देख तो जरा, तेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा बाहर का, कितनी बार मना किया है, समोसे कम खाया करो, पनसुनती नहीं है, अब भुगतो। अच्छा पापा मैं जा रहा हूँ हाना के साथ, आने में देर हो जाएगी, अयान ये कहकर निकलने लगा तो कामिनी जी ने रूखे स्वर में कहा, सही है बेटा, माँ बीमार है और तुझे घूमने की पड़ी है। तभी हाना अंदर आती है, चले अयान देर हो रही है, मेरे सब दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। अहाना, माँ की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। अरे क्या हुआ माँ जी को, अहाना ने परेशान होते हुए पूछा। पेट में दर्द है, कामिनी जी ने दर्द का नाटक करते हुए कहा। अयान, डॉक्टर को फ़ोन किया? अहाना ने पूछा। हाँ बहू, हमारे फैमिली डॉक्टर आ रहे हैं, कैलाश जी ने कहा। पापा जी वो क्या इलाज करेंगे, वो फिजिशियन है और माँ जी की बीमारी दूसरी है, रुकिए मैं उपासना
घई को फ़ोन करती हूँ, वो इस शहर की सबसे अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो देखेंगी हमारी माँ जी को। ये कहकर आहाना ने फ़ोन घुमाया और उन्हें बुला लिया। कामनी जी का फुल प्रूफ प्लान डूबने लगा। उन्होंने कैलाश जी को इशारा किया। कैलाश जी ने अटकते हुए कहा, रहने दो बहू, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो इलाज कर लेंगे। पापा जी, माँ को डॉक्टर उपासना की ज़रूरत है, मैं औरत हूँ, उनकी समस्या को समझ सकती हूँ। आप बैठिए आराम से, आज तो माँ जी का अच्छे से इलाज कराना ही होगा, चिंता ना करें आप माँ जी, आना ने कामनी जी की सिराहाने बैठते हुए कहा। कामनी देवी अपने ही बिछाए जाल में मछली बन फंस गई, अंदर ही अंदर छटपटा रही थी, पर कह किसी को कुछ नहीं सकती थी। कामनी देवी अपने ही बिछाए जाल में मछली बनकर फंस गई, अंदर ही अंदर छटपटा रही थी, पर किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। ओह, ये तो आप लोगों ने पहले कभी इनकी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया क्या? डॉक्टर उपासना अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ गंभीरता से देखते हुए बोली। क्या हुआ है माँ जी को डॉक्टर? आहाना कामनी जी के लिए चिंता जताते हुए बोली। आहाना, वो तो अच्छा हुआ जो मैं अपने साथ ये पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन ले आई, वरना मुझे भी पता नहीं चलता ऐसे देखकर। दरअसल इनकी किडनी में पत्थर है, देखो खुद देख लो, ये देखो, ये जो छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये पत्थर है, डॉक्टर उपासना ने कहा। ओह आयान, देखो कमाल है, आज तक पता ही नहीं चला, और हमारी माँ जी इतने समय से इस वजह से दर्द में तड़पती रही। आप लोगों ने कभी उनकी सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आहाना ने कहा। बहू, कुछ नहीं हुआ है मुझे, हल्का सा दर्द है, शायद अपच हो गई थी, इस डॉक्टरनी ने तो पत्थर बता दिए, ऐसे थोड़ी ही होता है। कामनी जी हैरान थी कि बिना पेट दर्द के उनके किडनी में पत्थर आए कहाँ से। माँ आप चुप रहें, इतनी बड़ी डॉक्टर बोल रही हैं और आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ है। अब आग में घी का काम करने की बारी आयान की थी, तो डॉक्टर इसका इलाज क्या होगा, आयान ने पूछा। ऑपरेशन, पत्थरों को ऑपरेट कर निकाल दिया जाएगा, बस सिंपल, चाहें तो कल ही करा लो, डॉक्टर ने झट से फैसला सुनाते हुए कहा। ऑपरेशन क्या, ये डॉक्टर ने पागल हो गई है क्या, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, कामनी जी ने चिल्लाते हुए कहा। आज उनका ये तीर निशाने पर लगने की जगह उल्टा उनकी तरफ कैसे घूम गया, अब इस जाल से कैसे निकला जाए। माँ जी आप शांत रहें, छोटा सा ऑपरेशन ही तो होगा, कम से कम ये रोज के दर्द से तो छुटकारा मिलेगा, फिर हम लोग भी बिंदास बिना टेंशन के बाहर जा सकेंगे, वरना आए दिन आपके पेट दर्द की वजह से हम दोनों भी कहीं नहीं जा पाते, टेंशन बनी रहती है ना। आहाना ने कामनी जी की तरफ रुख करते हुए कहा, हे भगवान क्या हो गया मेम साहब, आप तो सच में बीमार पड़ गई, मुन्नी नाटक करते हुए बोली। सच में मतलब क्या, कुछ भी बोलती हो मुन्नी, आहाना ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। पागल, जा यहाँ से, काम कर अपना, ऐसे रो रही है जैसे मैं परलोक सिधार गई, कामनी जी झीपते हुए बोली। आज तो मुन्नी ने पोल ही खोल दी थी, डॉक्टर अगर माँ ने ऑपरेशन नहीं करवाया तो क्या होगा, कोई बड़ा खतरा तो नहीं है ना, आयान ने झूठ की चिंता व्यक्त करते हुए कहा। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, किडनी पर असर आएगा, फिर बाद में किडनी निकालनी भी पड़ सकता है, डॉक्टर उपासना ने कहा। कामनी जी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, बस उनके धरती में समाने की देर थी, पर धरती माँ भी ऐसी लोभी और लालची औरत को कहाँ स्वीकार करने वाली थी। इस डॉक्टरनी का दिमाग ख़राब हो गया है, किडनी निकालेगी, अरे किडनी के बिना इंसान जिंदा कैसे रहेगा, अजी सुनते हो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। कामनी जी की हालत किसी पागल खाने के पागल जैसी हो गई थी। कैलाश जी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। आज वो खुश थे क्योंकि शेर को सवा शेर जो मिला था। माँ जी, पापा जी क्या बोलेंगे, देखो कैसे खड़े हैं, सदमा लगा है, कोस रहे हैं अपने आप को, क्यों पापा जी, सच कह रही हूँ ना मैं, आहाना ने तपाक से पूछा। हाँ हाँ, मैं सदमे में हूँ कामनी, मुझे पहले ही तुम्हारा इलाज करा लेना चाहिए था, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, कामनी जी चिल्लाई। माँ जी, हर चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की,
अरे मेरा मतलब है, जैसे जैसे हर गुनाहगार कहता है उसने गुनाह नहीं किया, वैसे हर मरीज भी यही कहता है कि वो ठीक है। आप आराम करिए डॉक्टर, इस समय माँ जी के दर्द का क्या इलाज है? आहाना ने कामनी जी को जबरदस्ती लिटाते हुए पूछा। डॉक्टर उपासना ने इंजेक्शन में दवा भरी और बोली, फिलहाल इनके दर्द के लिए इंजेक्शन दे रही हूँ, इससे इन्हें आराम आ जाएगा। इससे पहले कि कामनी जी भागती, आहाना और अयान ने उनकी बाजू पकड़ ली और डॉक्टर उपासना ने इंजेक्शन लगा दिया। 2 मिनट के भीतर वो गहरी नींद में सो गई। अयान डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया। आहाना ने कैलाश जी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, फिक्र मत कीजिए पापा जी, नींद का इंजेक्शन है, इनके सारे दिमाग को आराम की ज़रूरत है। एक बात और, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके खिलाफ़ भी कोई ऐसी हरकत करूँ, क्योंकि मैं उर्वी नहीं हूँ, आहाना हूँ, आहाना दीवान, गलत बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये कहकर आहाना भी बाहर चली गई। कैलाश जी थोड़ा सा मुस्कुराए और टेलीविज़न खोल अपना मन पसंदीदा चैनल देखने बैठ गए। आज बहुत दिनों बाद सुकून से कुछ अपनी पसंद का देख सकेंगे। दीवान मेंशन। अयान ने तपस्या जी के कमरे में झांक कर देखा, वो सुकून से सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद उन्हें ऐसी नींद नसीब हुई थी। अयान की आंखों से आंसू टपक रहे थे, तभी आहाना की आवाज़ आई, खुलकर रोना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। आहाना अयान को अपनी छत पर ले गई। खुले आसमान में तारों की छाँव में रोने से मन को शांति मिलती है, आहाना ने कहा। अयान कुछ पल आसमान में बिखरी चांदनी को देखता रहा और फिर अचानक आहाना को गले से लगाकर रोने लगा। अयान के इस तरह अपनी बाहों की घेरे में लेने से आहाना थोड़ी असहज जरूर हुई, पर उसने अपनी असहजता को छिपा लिया। वो चाहती थी कि अयान के अंदर का सारा गुबार निकल जाए। उसने भी अयान को कस के अपने आगोश में ले लिया और उसके दर्द में शामिल हो गई। कुछ मिनटों बाद जब अयान को एहसास हुआ कि उसने आहाना को अपनी बाहों में भर रखा है, तो वो झेप गया और आहाना से दूर होते हुए बोला, माफ़ करना आहाना, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। आहाना अयान के करीब आकर बोली, अयान मैं जानती हूँ तुम्हारे जज्बातों को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, अपनी माँ को खोने का गम क्या होता है ये पता है मुझे, और तुम्हारी व्यथा तो और भी दर्दनाक है, क्योंकि तुम ये जानते थे कि माँ जिंदा है पर उन तक पहुँच नहीं सकते थे, और वैसे भी एक दोस्त दूसरे दोस्त के गले तो लग ही सकता है। सच में आहाना, अपने आप से नफरत हो गई थी मुझे, अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, अंदर ही अंदर घुटन होती थी, पर आज एक सुकून है और वो सब तुम्हारी वजह से। थैंक्स आहाना, आज मैं इस खुले आसमान के नीचे सांस ले पा रहा हूँ तो तुम्हारी वजह से, मेरी माँ आज सुकून की नींद सो रही है तो तुम्हारी वजह से, मैंने कुछ नहीं किया आयान, सच को एक न एक दिन तो बाहर आना ही था, बस अब कुछ और सच हैं जो बाहर निकालने हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, पर फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, अयान ने धीरे से दुखी स्वर में कहा। आहाना कुछ पल अयान को देखती रही जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो उसकी आंखों में, फिर हल्की मुस्कान ली, बोली, रास्ते भले जुदा हो जाए पर हम दोस्त रहेंगे, तुम एक अच्छे दोस्त हो और ऐसा दोस्त मैं खोना नहीं चाहती, अयान ने चेहरे पर शरारती मुस्कान बिखेरते हुए कहा। क्या बात है मिस दीवान, कहीं हम पसंद तो नहीं आ गए आपको, कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को परमानेंट में बदलने का इरादा तो नहीं है आपका? वेरी फनी, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे, समझे मिस्टर अकड़ू, मैं ऐसी ही खुश हूँ आज़ाद परिंदे की तरह, आहाना ने चिढ़ते हुए कहा। तो हम कौन से आपके पर काट रहे हैं, ये कह अयान ने आहाना को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। हम तो इन परों को प्यार के रंगों से भर देंगे, फिर जब आप उड़ान भरेंगी तो आपके पंखों में से प्यार की बरसात होगी, वैसे भी आपके अंदर प्यार शब्द की बहुत कमी है ना, ये कहते ही अयान हंसने लगा। आहाना जो कुछ पलों के लिए अयान की सांसों को महसूस कर रही थी, अचानक अयान की इस शरारत से झेप गई और उसको पीटने के लिए आगे बढ़ी। अरे बाप रे,
चंडिका जाग गई। अयान बचा अपने आप को। ये कहकर अयान सीढ़ियों की तरफ भागा और अहाना उसके पीछे भागी। अयान, आई विल किल यू समडे मिस दीवान, आपके साथ रह रहा हूँ, सो आई एम ऑलरेडी किल्ड। ये कह अयान वहाँ से भाग गया। क्या कैसे भाग गई? एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे, इतने सालों से तुम्हें किस बात के पैसे दे रही हूँ? प्रीतम ने आश्रम की वार्डन को फ़ोन पर फटकार लगाते हुए कहा। मेरी क्या गलती है साहब, आज तक तपस्या ने भागना तो दूर, कमरे से बाहर खुद कदम तक नहीं रखा था। आपका डर उसके अंदर इतना ज़्यादा था, पर अचानक क्या हुआ ये मैं कैसे कहूँ? कमला ताई ने अपनी सफाई देते हुए कहा। तुम तो कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भाग कैसे गई? ढूंढो उसे। अरे किसी गाड़ी के नीचे आ गई तो पुलिस 10 सवाल पूछेगी, कौन थी, घर वाले कहाँ हैं, वगैरह वगैरह। प्रीतम अपना आपा खोते हुए बोला। किसी को क्या पता कौन है, इतने सालों बाद क्या ही होगा साहेब। तपस्या तो अब अपना घर तक भूल गई है, चिंता ना करो साहेब। वैसे मेरे आदमी लोग ढूंढने में लगे हैं, पर नहीं मिली या मर गई तो क्या टेंशन है साहेब, आपका काम तो पूरा हो गया होगा ना। कमला ताई बोली। मेरे काम से तुमको क्या लेना देना कमला ताई, तुम तो प्रार्थना करो कि वो मिल जाए, वरना अगर उसको कुछ हो गया तो तुम भी फंसोगी। साहब मैं कैसे फंसूँगी, तपस्या का तो हमारे रजिस्टर में नाम तक दर्ज नहीं है, उसको कुछ भी हो गया तो पुलिस हमारे दरवाजे पर कभी नहीं आएगी। अब आप जानो और आपका काम जाने, कमला ताई ने भी हिचक बोला। गिरगिट की तरह रंग बदलती हो कमला ताई, कल तक जब मैं उसके लिए पैसे दे रहा था तो मुंह से फूल झड़ रहे थे, और आज कमाल हो कमला। साहब आपने जो पैसे दिए उससे हमने तपस्या को इतने साल खिलाया पिलाया, दवा दारू करी, कपड़ा लत्ता दिया, और क्या करें, आपके पैसों से कोई ऐस नहीं की हमने। आपने कहा था हम तपस्या को रखेंगे तो आप हमको माला माल कर दोगे, पर आपने अपना वचन निभाया क्या? एक हमला ताई होश में रहकर बात करो, दिया था मैंने पैसा पूरा 1,00,000, डकार मार गई और अब कह रही है कि दिया ही क्या था। प्रीतम साहेब तुमको करोड़ों मिले और हमें सिर्फ 1,00,000, उस 1,00,000 में हम तपस्या को जितना संभाल पाए संभाल लिया, अब ढूंढ लो खुद, कमला ताई ने चिल्लाते हुए कहा। ये तेवर तुमको बहुत महंगे पड़ेंगे कमला ताई, ये कह प्रीतम ने फ़ोन रख दिया। साहब शाबाश कमला ताई, बहुत बढ़िया तरह से बात की आपने। अरे हवलदार जरा कमला ताई के फ़ोन से इस रिकॉर्डिंग को ले लो। आप निश्चिंत रहें कमला ताई, आपके आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आपको कुछ नहीं होगा, उस प्रीतम से डरने की ज़रूरत नहीं है, इंस्पेक्टर सिसिर ने कहा। आश्रम से बाहर निकल सिसिर ने अहाना को फ़ोन लगाया। हाँ काम हो गया है, मैंने रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दी है, देख लो कितने काम आती है। थैंक्स सिसिर, सबूत इकट्ठा कर इन दोनों भाई बहनों को जेल की हवा खिलानी है, अहाना ने कहा और फ़ोन रख दिया। अरे उर्वी बहू, मुझे 3 दिन हो गए आए, ना तो तेरे ससुर जी का फ़ोन आया और ना ही आरुष का, सब ठीक तो है ना, तुम सब मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना, तपस्या जी ने उर्वी से पूछा। उर्वी के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो थोड़ा असहज हो गई पर फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, माँ जी आरुष आने ही वाले हैं, अयान उनको सरप्राइज देना चाहता है, और पिताजी वो अयान कह रहा था कि उनसे अब तक बात नहीं हो पाई। ऐसा ही है माँ जी, जब पिताजी काम से बाहर जाते हैं तो बात ही नहीं हो पाती। एक बात बता, ये दोनों लड़कों ने कैलाश जी का बिजनेस क्यों नहीं संभाला, वो तो बहुत नाराज हुए होंगे। उर्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या उत्तर दे, बिजनेस बचा हो तो संभालेंगे ना, वो कुछ कहती इससे पहले उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहाँ खड़े शख्स को देखकर वो चौंक गई, उसे इस तरह व्यवहार करते देख तपस्या जी ने भी मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, तपस्या जी उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, तभी वो नौजवान भागते हुए उनकी तरफ आया और उन्हें गले से लगा लिया। माँ कहाँ चली गई थी आप, मैंने कितना मिस किया आपको, आप तो जानते थे ना कि आपके बिना मैं सो भी नहीं पाता, तो क्यों चले गए थे आप और कहाँ,
आरुष ने तपस्या जी को गले लगाते हुए कहा। तपस्या जी ने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आरुष कहाँ रह गया था तू? 3 दिन से तेरी राह देख रही थी। इन आँखों को कहीं आराम नहीं मिल रहा था। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। माँ, बेटे का ये मिलन देख दूर खड़ी उर्वी की आंखों में भी आंसू आ गए। अयान और आहाना की भी आंखें नम हो गई। तभी अयान ने माहौल को थोड़ा सहज बनाने के लिए मस्ती भरे स्वर में कहा, देखा भाई, मैं न कहता था कि माँ तुमसे ज़्यादा प्यार करती हैं। क्यों माँ? आरुष भाई ही आपके लाडले हैं। हूँ मैं नहीं हूँ ना। तपस्या जी ने अयान को प्यार से थप्पड़ मारते हुए कहा, चल बदमाश, बचपन में भी यही कहकर आरुष को परेशान करता था। मेरी तेरी मस्करी की आदत गई नहीं अभी तक। आहाना बहू, तो इसको सुधार दे, ये बहुत टेढ़ी खीर है। बताओ, माँ के लिए तो उसके बच्चे बराबर होते हैं, और मेरे लिए तो मेरी बहुएं भी तुम दोनों के समान ही प्यारी हैं मुझे। तपस्या जी के ये कहते ही उर्वी और आहाना उनके गले लग गई। तपस्या जी के सो जाने के बाद अयान ने आरुष को पिछले दिनों घटित सारी बातें बताई। कैसे आहाना ने इंस्पेक्टर शिशिर की मदद से प्रीतम का पता लगाया और शिशिर ने तपस्या जी का। आहाना, थैंक्स आपका। शुक्रिया। शुक्रिया किन शब्दों में करूं? एक बोझ था मन पर, अपनी माँ को उस दरिंदे की चुंगुल से छुड़ा ना पाने का बोझ। आज ऐसा लगा जैसे मन हल्का हो गया हो। आरुष ने आहाना से कहा, भैया थैंक्स तो परायों को कहा जाता है, ये परिवार मेरा अपना ही तो है। बस अब कुछ और सबूत इकट्ठे करने हैं और फिर ये दोनों लालची लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आहाना ने कहा, भाई कुछ दिन तुम यहाँ रुक जाओ माँ के पास। अयान ने कहा, यहाँ पागल है, माँ क्या सोचेंगी, और वैसे भी मुझे वापस जाना है। आरुष ने कहा, वापस जाना है तो भाभी को भी लेकर जाना पड़ेगा। माँ को हमने आप दोनों के अलग होने की बात नहीं बताई। अयान ने आरुष और उर्वी की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब आरुष ने एक नज़र उर्वी की तरफ देखते हुए कहा। उर्वी अपलक आरुष की तरफ ही देख रही थी। नहीं हो सकता तो कुछ दिन यहीं रुको। माँ के अनगिनत सवाल होते हैं, उनके जवाब भाभी नहीं दे पाती। तुम यहाँ रहोगे तो उनका ध्यान भी थोड़ा बट जाएगा। आयान ने कहा, मैं माँ को साथ ले जाऊँ बेंगलोर? भैया वहाँ तो बहुत खतरा है, मेरे हिसाब से आप भी यहीं रहो, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आहाना ने कुछ सोचते हुए कहा। ये सुन उर्वी घबरा गई और बोली, कैसे, आरुष की जान को क्यों खतरा है और किसी से? आहाना ने उर्वी को बिठाया और आराम से समझाया, देखो प्रीतम को पता चल चुका है कि माँ आश्रम में नहीं है, तो अब सबसे पहले वो आरुष भैया को खोजता हुआ बेंगलोर पहुँचेगा। माँ को वहाँ नहीं रख सकते, और अगर भैया भी वहाँ रहे तो वो उनसे हाथापाई करेगा, इसीलिए कुछ दिन भैया को यहीं रहना चाहिए। आप तीनों में से कोई भी दीवान मेंशन के बाहर कदम नहीं रखेगा, यहाँ आप सब सुरक्षित हैं। और अयान, प्रीतम इस पर भी तो हमला कर सकता है। आरुष ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पर वो अयान को छू भी नहीं पाएगा। शिशिर ने सारे कपड़े में अपने आदमियों को अयान की सुरक्षा के लिए उसके पीछे लगा दिया है। बस अब इंतजार है प्रीतम के अपने बिल से निकलने का। आहाना बोली, भाई आप माँ से कहना कि आप कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए हो, और प्लीज़ आप दोनों जरा माँ के सामने सामान्य दिखने की कोशिश करें, वरना माँ की नज़रों ने यदि भांप लिया तो उनके सवालों के जवाब आप दोनों ही देंगे। अयान हंसते हुए बोला, भैया आपके ठहरने का इंतजाम करवा दिया है, वैसे कल पापा एक हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहे हैं। मुझे फिक्र हो रही थी कि उर्वी अकेली माँ को कैसे देखेगी, पर अब आप हो तो कोई चिंता ही नहीं है, आहाना ने कहा, और फिर वो दोनों वहाँ से अपने घर आ गए। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का इन यहीं पे होता है। कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से ना छूटे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।